शाहरुख को ना बहुत कम सुनने को मिलता होगा, लेकिन हाल ही में एक निर्माता निर्देशक ने उन्हें खाली हाथ लौटा दिया। शाहरुख ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा उनके साथ हो सकता है। रईस और काबिल की टक्कर को टालने के लिए शाहरुख फिल्म निर्माता निर्देशक राकेश रोशन के पास इस उम्मीद से गए थे कि राकेश रोशन अपनी फिल्म को आगे पीछे कर लेंगे। 2 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन सूत्रों के अनुसार शाहरुख को असफलता ही हाथ लगी। कहा जा रहा है कि राकेश रोशन ने स्पष्ट कर दिया है कि वे अपनी फिल्म काबिल 26 जनवरी को ही रिलीज करेंगे। बाजीराव मस्तानी से एक बार मात खा चुके शाहरुख अब क्या करेंगे? आने वाले दिनों में जवाब मिलेगा।